हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको ब्लाउज नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने इस तरह से ये ब्लाउज़ की कटिंग करने के बाद में इसको अस्तर को, ये अस्तर है, इस अस्तर को मेन फैब्रिक पर अटैच कर लिया है, जैसे कि ये हिले डुले ना। फिर मैंने उसके बाद में अपने गले की कटिंग की है। जो नाप हम पहनते हैं उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो मैंने इसकी नाप ली है, 10 इंच लंबा है, जो जबकि ये इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, सॉरी इसकी लंबाई मुझे ज़्यादा लेनी है, डीप गला बनाना है। इसके लिए ऊपर से इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने 2 इंच ली है और लंबाई मैंने 10 इंच ली है। उसके बाद में बॉक्स बनाने के बाद में यहाँ पर वी शेप में इसको कट कर दिया है। अब हम इसमें आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। आगे इसमें शेप देने के लिए मैंने ये टैट्रोन का पीस कट किया है। ये टैट्रोन का पीस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी गले की चौड़ाई 2 इंच ली है, तो 2 इंच ये फोल्ड में है और जब ये हम खोलेंगे तो ये 4 इंच हो जाएगा। उसी के हिसाब से 4 इंच के हिसाब से मैंने ये 7.5 इंच लिया है, क्योंकि हमें दोनों साइड, गले के दोनों साइड टैट्रोन का एक्स्ट्रा पीस लेना होता है, जिससे कि वो इसमें फोल्ड करने में हमारे यूज़ हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से मैंने ये टैट्रोन का पीस लिया है और फिर उसके बाद में इसके नीचे लगाने के लिए ये अस्तर का पीस लिया है। अब मैं इस टैट्रोन को इस अस्तर के ऊपर अटैच करके दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले इस तरह से ये फोल्ड कर लिया, ऐसे ये फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने से ये मेरी टैट्रोन में ये लाइन बन गई। अब हमें इस अस्तर के ऊपर ऐसे रखकर इस लाइन के ऊपर हमें सिलाई चलानी है। अस्तर और टैट्रोन दोनों जोड़ लिए हैं। अब हम इसे मेन फैब्रिक के ऊपर अटैच करेंगे। तो हम ये अस्तर वाला पोर्शन अपनी साइड रखेंगे और टैट्रोन को नीचे करेंगे। अब अपना मेन फैब्रिक ले लिया हमने ब्लाउज का, इसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और खोल देंगे इसको, इस तरह से इसको खोल देंगे। इस तरह से हम ये सेट कर लेंगे, मेन फैब्रिक का बीच का पोर्शन और जो हमने टैट्रोन के ऊपर सिलाई लगाई है वो, इन दोनों को आपस में रखकर पिन की सहायता से इसको अटैच कर देंगे, जिससे कि ये हिले ना। देखिए, इस तरह से मैंने ये पूरा अटैच कर दिया है। अब ये हमारा कपड़ा सिलाई लगाते हुए हिलेगा नहीं। अब हम इस पर सिलाई लगाते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगाकर इसके ऊपर से तैयार कर दिया है। अब हम ये बीच का पोर्शन इसमें कट कर देंगे। देखिए, इस तरह से मैंने ये कट कर दिया है। अब हम इसमें यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस लगाएंगे, जहाँ जहाँ गोलाई है। इस तरह से मैंने ये पूरे गले में कट लगा लिए हैं। अब हम अपने ब्लाउज को उल्टा कर लेते हैं, टैट्रोन वाला पीस लेते हैं। देखिए, अब 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा इस तरह से पूरे गले पर निशान लगा लेंगे। ये निशान लगा लिए हैं। अब हम अपनी टैट्रोन को इस तरह से उठाएंगे, अस्तर को नीचे छोड़ते हुए इस निशान पर इस तरह से कट करेंगे। बिल्कुल वही शेप देनी है जो हमारे गले की शेप है। ये हमारे गले की शेप आ गई है। अब हम अपने अस्तर को भी थोड़ा सा कट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा है। बिल्कुल नहीं कट करना है, थोड़ा सा अंदर फोल्ड करने के लिए रोक लेना है, लगभग 1/2 इंच।
अब जो हमारा अस्तर है और टेट्रोन है उसके ऊपर अस्तर को इस तरह रखते हुए इस पर इस तरह से इसको चिपका देना है। देखिए इस तरह से ये अस्तर पट्टी और टेट्रोन मैंने दोनों अटैच कर ली है। अब हम अपने गले को सीधा करेंगे, इसको अंदर फोल्ड कर देंगे इस तरह से, इस तरह से। अब हम इसके किनारे किनारे बिल्कुल किनारे किनारे एक सिलाई लगाएंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से मैंने ये गले पर किनारे किनारे सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें कच्चा डाल देंगे, कच्चा आप सुई धागे की मदद से या मशीन को बड़ी चाल करके लगा सकते हैं। उसके बाद में इस पर तुरपाई करेंगे। देखिए अब इतना हमारा गला ये तैयार है। अब आगे का मैं आपको बताती हूँ, हमें यहाँ पर स्ट्रैप्स लगाने हैं गले में। स्टेप तैयार कर लेते हैं पहले। स्टेप्स तैयार करने के लिए मैंने ये पट्टी ली है। इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके इसकी स्टेप्स बनाएंगे। चलिए मैं आपको स्टेप्स बनाकर दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये स्टेप पट्टी इस तरह से तैयार कर ली है। पहले मैंने इसको फोल्ड करके सिलाई लगाई, फिर इसको पलटा और फिर किनारे किनारे इसके सिलाई लगा दी। अब हम इनको अपने ब्लाउज में लगाएंगे। ये हमारा ब्लाउज है जो हमने गला अभी अभी तैयार किया है। अब देखिए यहाँ मैंने ये कच्चा डाला हुआ है, आप देख पा रहे होंगे इसको, जहाँ पर हम प्लेट्स डालते हैं अपनी। मैं यहाँ निशान लगा के दिखाती हूँ इस तरह से। यहाँ हम अपनी प्लेट्स डालेंगे जो हमारे ब्लाउज के बैक में डलते हैं। इन्हीं प्लेट्स में हमें ये स्टेप्स लगाने हैं। एक यहाँ लगाएंगे इधर और एक बिल्कुल इसके सामने इधर लगाएंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने स्टेप्स इसमें लगा लिए हैं, आप इसे देख सकते हैं। ये गला बहुत सिंपल, सोबर और सुंदर लग रहा है, एकदम फैंसी। इस तरह से हम इसको बांधेंगे, एक नॉट लगा देंगे इसमें यहाँ पर। इस तरह से इसमें हमने नॉट लगा दी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आई होप आपको भी पसंद आएगा। फ्रेंड्स ये नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्माइलिंग।